गुड मॉर्निंग क्लास, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, मेमेलियन न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर की क्लास है। हम बात कर रहे थे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। आज हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे होती है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके निकलने वाला हार्मोन कैसा होता है। तो जब हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करते हैं तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। तो पैराथायरॉयड का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बनाते हैं। यह हमारा थायराइड ग्लैंड हो जाता है। यह हमारा हो जाता है कंठ। यह हमारे थायराइड। ये हमारे ये वाला हो जाता है पैराथायरॉयड ग्रंथि, है ना। तो हमारे थायरॉयड ग्रंथि में ये गोल गोल अंडाकार वे में होते हैं, अंडाकार इनका स्ट्रक्चर होता है और ये दोनों साइड में होते हैं। पीले कलर के भी हो सकते हैं, भूरे रंग के भी हो सकते हैं, थोड़े से रेडिश लाल कलर में, है ना, हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड के से निकलने वाले हार्मोन की, तो पैराथ हार्मोन बोलते हैं इनको। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो ये छोटी मटर आकृति की ग्रंथियां हैं जो थायराइड के पृष्ठ में दो जोड़ी में स्थित होती है। इसका वजन 0.012, 0.03 ग्राम होता है। ये पैरा हार्मोन को स्रावित करती है, जिसको कॉलिप का हार्मोन भी
ये कैसी होती है? पैराथायरॉयड होती है, मटर की साइज़ की है ना, जैसे कि हमारे पीयूष ग्रंथि मटर के दाने जैसी होती ना, ऐसी ये भी मटर के दाने की आकृति की होती है। और लेकिन ये क्या होती है, थायराइड के अंदर धंसी हुई रहती है। और इसका वज़न कितना होता है, 0.1 से 0.03 ग्राम तक होता है ना, 0.01 to 0.03 ग्राम तक इसका वज़न होता है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावित करती है, जो इसको हम बोलते हैं कॉलिप का हार्मोन भी हम बोलते हैं। तो अब ये पैराथार्मोन जो है वो क्या फंक्शन करता है, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि पैराथार्मोन के कार्य, तो पैराथार्मोन क्या होता है, पैराथार्मोन कैल्शियम तथा फास्फोरस की उपापचय को नियमित करता है। ये रक्त में, ये रक्त में कैल्शियम स्तर नियमन करती है। रक्त कैल्शियम में होने वाली कमी होने पर पैराथार्मोन का स्रावण होता है और रक्त में कैल्शियम की वृद्धि से पैराथार्मोन स्रावण का संदमन होता है। फोर्थ पॉइंट, जब रक्त प्लाज्मा में सांद्रता घटती है तो यह
संक्रावित होता है। तथा प्लाज्मा में सांद्रता पुनः सामान्य करता है। पैराथॉर्मोन रक्त प्लाज्मा में कैल्शियम आयन सांद्रता को बढ़ाता है। क्योंकि यह अस्थियों का विघटन करता है और प्लाज्मा में लाता है तथा कैल्शियम का देखो, जब हम पैराथॉर्मोन की बात कर रहे हैं तो पैराथॉर्मोन क्या कर रहा है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म के ऊपर ये मेजरली काम करते हैं, इनका नियमन होता है। ये क्या करते हैं, शरीर में जो रक्त में कैल्शियम का स्तर होता है उसको नियमन करते हैं। कैल्शियम की कमी होने पर क्या करता है, ये कैल्शियम का स्रावण मतलब पैराथॉर्मोन स्रावित होना स्टार्ट करता है और कैल्शियम की वृद्धि करता है। अगर प्लाज्मा में है ना, रक्त में प्लाज्मा में क्या हो रहा है, कैल्शियम की सांद्रता कम होती चली जा रही है, तो ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। और साथ ही साथ ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि क्या होता है कि इसकी वजह से हमारी अस्थियों का विघटन होने लगता है और साथ में क्या करता है, क्या करता है, प्लाज्मा में कैल्शियम को लाता है। और जो कैल्शियम है जो यूरिन से बाहर चला जाता है ना, उसको ये क्या करते हैं, रोक देते हैं। जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैराथॉर्मोन की,